वेलकम बैक टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। राइट नाउ हमारे साथ है मर्सिडीज बेंज की सी क्लास फेसलिफ्ट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 रीजंस व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग दिस कार एंड 3 रीजंस यू शुड अवॉइड इट। लेट्स स्टार्ट। अ मर्सिडीज, अब कई दशकों से ये ब्रांड लग्जरी, प्रेस्टीज, स्टेटस जैसी भारी भरकम वर्ड्स के साथ एसोसिएटेड रहा है, और अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, इफ यू वांट अ स्टार इन योर गैराज, देन द सी क्लास मेक्स अ स्टेटमेंट। और ये बताना जरूरी नहीं है कि इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा शानदार बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन मटेरियल्स, चाहे आप बात करें शीट मेटल क्वालिटी की, इंटीरियर में यूज्ड वुडन ट्रिम्स या लेदर अपहोल्स्ट्री के बारे में। एवरीथिंग फील्स वेल बिल्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बिल्ट टू लास्ट। सी क्लास जो है मर्सिडीज की एंट्री लेवल कारों में से एक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको इस गाड़ी में फीचर्स की कोई भी कमी महसूस होगी। एग्जाम्पल, आपको ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इट इज़ नॉट टच, लेकिन आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कापले की सुविधा मिल जाती है। देर इज़ दिस न्यू स्टीयरिंग व्हील जिसमें बहुत ही ईजी टू यूज़ टच सेंसिटिव बटन्स दिए गए हैं, इसे हमने पहले ई क्लास में देखा था। और एक फुल पैनोरामिक सनरूफ है, एम्बियंट लाइटिंग है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। और विद दिस फेसलिफ्ट मर्सिडीज बेंज ने सी क्लास को दिया है एक फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप, विच मेक्स इट लुक मोर लाइक द बिग डैडी द एस क्लास। अगर आपको चाहिए एक ऐसी लग्जरी कार जिसे आप दिन रात चलाएं, लॉन्ग ड्राइव्स पर ले जाएं और वो बस चलती रहे, तो मर्सिडीज बेंज की सी क्लास इज आइडियल फॉर दैट सिनेरियो। अब फेसलिफ्ट में आपको 2.1 लीटर का डीजल इंजन नहीं मिलता, यू गेट अ 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो हमें पहले ई क्लास में देखने मिला था, लेकिन इन द सी क्लास इट इज BS6 कंप्लायंट। सी क्लास में भी आपको 194 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आप इस इंजन को पुराने इंजन के साथ कंपेयर करें तो ये आपको ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा शांत लगेगा। इट इज अ वेरी इजी टू ड्राइव कार, 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बिल्कुल बटर स्मूथ है। आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं विच आर इको, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस, जिन्हें सिलेक्ट करके आप गाड़ी के मूड को बदल सकते हैं। सोने पे सुहागा इसका माइलेज, ये सिटी के अंदर आपको करीब 14.5 का एवरेज दे देगा, और हाईवे पर आराम से अगर आप क्रूज करें तो ये आपको 21.5 तक का माइलेज दे देगा। नॉट अ बैड डील। और एक बात बता दूं, इसकी राइड क्वालिटी काफी स्टिफ है। इसका मतलब ये है कि खड्डों को सस्पेंशन ज्यादा कुशन नहीं कर पाता, इट ट्रांसफर्स द इम्पैक्ट इनसाइड द कैबिन, लेकिन यही स्टिफ राइड हाईवे पर आपका दिल जीत लेगी, तो देर इज एन अपसाइड टू दिस आफ्टर ऑल। इट इज डेफिनेटली अ फैंटास्टिक फर्स्ट लग्जरी कार, लेकिन मैं आपको बता देता हूं व्हाई यू शुड अवॉइड द सी क्लास फेसलिफ्ट। सी क्लास फेसलिफ्ट को अवॉइड करने का रीजन नंबर 1, अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, आपको ड्राइव करने में बहुत मजा आता है और आप खुद को एक एंथूजियास्ट कहते हैं जिसे स्पोर्टी कार्स का शौक है, तो C220D शायद उस मामले में फिट नहीं बैठती है। इसी सेगमेंट में BMW 3 सीरीज है, जैगुआर की XE है, दैट आर बेटर एस्टैब्लिश्ड एज ड्राइवर्स कार्स। और अगर आपको मर्सिडीज ही लेनी है, मर्सिडीज इज ऑफरिंग द C300D विच कम्स इन द AMG लाइन वेरिएंट। अगर आप इंडिया स्पेक सी क्लास को ग्लोबल वर्जन से कंपेयर करें तो काफ़ी मिसेज नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ओल्ड स्कूल एनालॉग ही मिलेगा विद एन LCD स्क्रीन इन द मिडल एंड नॉट द फुल LCD डिस्प्ले, जो बाय द वे आपको Audi A4 में मिल जाता है। दूसरी बात, मेमोरी सीट्स, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्ट, सीट वेंटिलेशन, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स का इस प्राइस पॉइंट पर ना होना ठीक नहीं लगता। फाइनली, अगर आप सी क्लास ये सोचकर खरीद रहे हैं कि भैया महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो इसमें स्पेस तो भर भर के मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में सी क्लास इज अ सेल्फ ड्रिवन कार फॉर मोस्ट पार्ट,
तो इसका अगर आप कैबिन का भी डिज़ाइन देखें तो इट इज़ ड्राइवर सेंट्रिक, और अगर आप ज़्यादातर वक्त यहाँ पर रियर सीट में बिताने वाले हैं तो आपको अंडर थाई सपोर्ट की कमी महसूस होगी। इतना ही नहीं, अगर आप लंबे हैं तो आपको हेडरूम की शिकायत भी रहेगी। फाइनली आते हैं वर्डिक्ट पर और जवाब देते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल का, आखिर आप किस बात के इतने सारे पैसे दे रहे हैं। ऑनेस्टली यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड वैल्यू एंड द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ अ लग्जरी प्रोडक्ट। लेकिन अगर ब्रांड को बगल में रख दे, इफ वी डिस्कस इट ऑन अ प्रोडक्ट लेवल, तो येस द सी क्लास हैज बिकम बेटर। इसकी जो नई इंजन है इट इज मोर रिफाइंड, ज्यादा शांत भी है, फीचर्स में बढ़ोतरी जरूर हुए हैं दैट मेक इट अ बेटर ऑलराउंड पैकेज, लेकिन आप इसे फुल ब्लोन अपग्रेड नहीं कह सकते। इट इज द गुड ओल्ड सी क्लास रेसिपी दैट हैज नाउ बिकम बेटर।